हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपको दही की गुजिया बनाना बता रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द की दाल एंड 1/3 कप मूंग की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है, तो ये देखिए, ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है इसको। ये मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है। इसमें इसकी स्टफिंग भी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नट्स लिए हुए हैं, जैसे कि ये है काजू, इसके हमें पीसेस चाहिए, किशमिश जी और कोकोनट। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से इसका फ्लेवर भी और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम सबसे पहले मूंग की दाल और उड़द की दाल को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, इसको हमने अलग अलग इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें हमने वाटर ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसे वाटर ऐड कर देंगे तो बहुत लिक्विड हो जाएगा और उसकी गुजिया बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें पानी यूज नहीं किया है, इसको ऐसे ही ग्राइंड किया है। अभी हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और फिर हम बटर पेपर पे इसको रख के फिर गुजिया बनाएंगे। देखिए, मैंने दाल को, उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करके ये हमारा रेडी हो गया है। और साथ में ये इलायची के दाने भी लेंगे। जब हम स्टफिंग करेंगे तो हम उसमें इलायची के दाने भी ऐड करेंगे। अभी हम ये बटर पेपर लेते हैं। ये हमने बटर पेपर ले लिया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये पानी डालेंगे ऐसे करके, और हम इसमें ये अपना जो हमने मूंग की दाल और उड़द की दाल का जो पेस्ट रेडी किया है वो हम इसमें ऐसे करेंगे। इसको थोड़ा सा हम स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये गुजिया का शेप आ जाए। इसमें इसमें हम थोड़ा सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें ये इलायची के दाने, थोड़ा सा ये ग्रेटेड कोकोनट, किशमिश और ये काजू के जो हमने पीसेस किए थे वो हम इसमें ऐसे डालेंगे। अब हम इसको बटर पेपर से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा गुजिया का शेप ऐसे रेडी हो जाएगा। इसको हम अच्छे से इसके एजेस पे प्रेस कर देंगे, जिससे कि हम जब घी में ऐड करें तो ये ओपन ना हो। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे हमारा ये गुजिया का शेप आ गया। इसको हम ऐसे अपने हाथ पर टर्न कर लेंगे। जब आप बनाओगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये देखिए, ऐसे हमारा ये गुजिया का शेप रेडी हो। ये हमने इसको अगेन इसमें बटर पेपर स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें ये कैश्यू नट, काजू, थोड़ा सा गोला, किशमिश, थोड़े से इलायची के दाने और थोड़े से ये चिरौंजी। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके एजेस को हम अच्छे से, जिससे कि जब हम इसको डीप फ्राई करें तो ये निकले ना। हम इसको हल्के हाथ से ये ऐसे निकाल लेंगे और इसको ये हम ऐसे पलट लेंगे और हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल हमारा अभी हॉट हो गया है, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को। अब हम इसमें ये अपनी ये गुजिया हम इसमें डालेंगे और बहुत आराम से हमें डालना है, जिससे कि हमारे हाथ में ना लगे। गैस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। ऐसे हम अपनी सभी गुजिया को रेडी करेंगे। ये देखिए, ये हमारी गुजिया भी है ऐसे गुलाबी सी हो गई है, ये अच्छे से सिक गई है। इसको हमने मीडियम फ्लेम में सेकना है। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको किया है। ये देखिए, अब ये गुलाबी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी गुजिया रेडी हो गई है, हमने सभी गुजियों को डीप फ्राई कर लिया है। अब हम एक थोड़ा सा हॉट वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला हुआ है। अब हम अपनी गुजिया को इसमें पानी में डिप करेंगे, क्योंकि अभी हमने डीप फ्राई करी है तो ये अभी हार्ड है। अभी हमें इसको गर्म पानी में इसको ऐसे
पानी में डिप करके हमें रखना है और इसको कवर कर देना है। इसको करीब 5-10 मिनट्स के लिए हम ऐसे कवर करके रखेंगे। ये गुजिया को मैंने पानी में अभी हॉट वाटर में डिप करके रखा हुआ था, अभी 5-10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसका जो वाटर है इसको स्क्वीज करेंगे। ये देखिए, ये हम ऐसे गुजिया लेंगे, इसको हल्के से हम ऐसे प्रेस करेंगे। हमें इसे बहुत कस के नहीं प्रेस करना है, हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस किया। दही और मीठी चटनी से इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारी दही की गुजिया रेडी हो गई है। इसको मैंने दही, मीठी चटनी, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और भुना हुआ जीरा इससे गार्निश किया है। इसको आप होली पर बना सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।